सुप्रिया कार्निक 90s की उन बड़ी सुपरस्टार्स में से एक हैं, जिन्होंने अपनी बहुत सारी फिल्मों में नेगेटिव रोल काफी बेहतरीन तरीके से निभाकर लोगों के दिलो दिमाग में भी अपनी नकारात्मक छवि बनाई थी। लेकिन दोस्तों, 90s की बीती पुरानी फिल्मों में नजर आई एक्ट्रेस सुप्रिया कार्निक को देखे हुए आज बहुत साल बीत चुके हैं। तो क्या आप जानते हैं कि इन बीते सालों में आज वो कहाँ हैं, क्या करती हैं और कैसी दिखाई देती हैं? अगर नहीं तो आज की इस वीडियो में हम आपको उनके आज के हालातों से रूबरू कराएंगे, पर उससे पहले आप उनके लिए इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। बहुत ही कम समय में लोगों की चहेती एक्ट्रेस बनी सुप्रिया कार्निक का जन्म 13 मार्च 1975 को भारत में हुआ था और यहीं से ही इनकी सारी पढ़ाई भी कंप्लीट हुई थी। बात करें इनके अभिनय करियर की तो इन्होंने साल 1997 में आई परदेश फिल्म से एक्टिंग करना शुरू किया था, जिसमें इन्होंने राजीव उर्फ अपूर्व अग्निहोत्री की मां की नेगेटिव भूमिका इतनी खूबसूरती से अदा की थी कि इन्हें अपनी इस डेब्यू फिल्म से ही अपनी असली पहचान मिली थी, जिसके बाद इन्हें ताल, जिस देश में गंगा रहता है और ढाई अक्षर प्रेम के जैसी फिल्मों में काम करने का सुनहरा मौका मिला था। और इन सभी फिल्मों में इनका नेगेटिव रोल इतना जबरदस्त रहा था कि लोग इन्हें घर घर देखना खूब पसंद कर रहे थे। इसी के साथ फिर इन्हें मुझसे शादी करोगी, वेलकम और दे दनादन जैसी कॉमेडी फिल्मों में बेस्ट कॉमेडियन के तौर पर बहुत बड़ी प्रसिद्धि हासिल हुई थी और कम से कम ये 55 फिल्मों में काम करती हुई नजर आई थी। इतना ही नहीं, ये तो बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाने के साथ साथ छोटे पर्दे पर भी अपनी पहचान बना चुकी हैं, जो साथ साथ बनाए आशियाना और वो रहने वाली महलों की जैसे शोज में काम कर चुकी हैं। करियर के बाद अब बात करें इनके बदले हुए रूप रंग के बारे में, तो जहां ये अपनी कुछ फिल्मों में शॉर्ट ड्रेस कैरी किए हुए तो कभी साड़ी और नाइट सूट पहने छोटे भूरे प्रगति बालों के साथ डार्क मेकअप किए हुए काफी हॉट और नौजवान दिखाई दी थी, वहीं आज इन्होंने अपनी 46 साल की उम्र पार कर ली है और इस उम्र में भले ही ये आज टाइम के स्टाइलिश ड्रेस, जीन्स टॉप, लोअर टी शर्ट और फैंसी सूट जैसी साड़ी कैरी करती हैं, वहीं आज भी ये उन ड्रेसेस के साथ हाई हील्स के सैंडल पहने हुए और पहले की तरह ही छोटे प्रगति सुनहरे बालों में भी काफी क्यूट दिखाई देती हैं। मगर समय के साथ ये पहले से थोड़ी बूढ़ी हो चुकी हैं, क्योंकि आज इनके फेस पर झुर्रियां साफ झलकती हैं, जो इनकी बढ़ती उम्र दर्शाती है। लेकिन अगर बात करें इनकी निजी जिंदगी के बारे में तो ये अपनी 46 साल की उम्र में भी कुंवारी हैं, क्योंकि इन्होंने अब तक शादी करके अपना घर नहीं बसाया है। लेकिन फिर भी ये सिंगल रहते हुए लाइमलाइट से दूर रहकर खुशहाल जिंदगी अपनी फैमिली के साथ बिता रही हैं, जो आखिरी बार साल 2018 में आई फिल्म वीरे दी वेडिंग में नजर आई थी। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको अपनी फेवरेट एक्ट्रेस सुप्रिया कार्निक को इतने सालों बाद देखकर? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसी दमदार खबरों को पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।